सो गाइस यहां पे हमारा कस्टम मैच हो चुका है स्टार्ट। और गाइस आज हमारा अपोनेंट है गाइस सिद्धू भाई। तो गाइस सिद्धू भाई बहुत ओपी खेलता है गाइस, बहुत अच्छे से हेडशॉट लगाते हैं। सो गाइस ये वाला वीडियो बहुत मस्त होने वाला है, तो यार वीडियो को स्किप मत करना यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यार आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा इस कस्टम गेम प्ले में। सो यार यहाँ पे देखो हमारा पहला राउंड स्टार्ट हो चुका है। पहले राउंड में मैंने एक क्या कहते हैं ग्लू वॉल उठा लिया और गाइस डेजर्ट ईगल जो है मैंने वो भी गन उठा लिया। और यहाँ पे यार देखो मैं सीधा सीधा रश करने जा रहा हूँ, ना ही कोई कैंपिंग ना ही कुछ, क्योंकि यार अगर मैं कैंपिंग करूँगा तो यार सिद्धू भाई के सामने यार कैंपिंग कुछ भी नहीं है। मतलब वो कैंपिंग भी मारते हैं यार ढूंढ डांट के, इतना गंदा वाला मारते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ यार आपको, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने उनको ढूंढ लिया कि वो यहीं पे है। सो यार यहाँ देखो सामने क्यों है भाई, वो सामने तो बस यार एक मौका चाहिए यार मेरे को, बस एक मौका चाहिए कि कब मैं इनको मतलब मेरे को एक मस्सा जगह मिले इनको मारने का और मैं इसको खत्म कर दूँ, ठीक है। सो यार यहाँ पे देखो मेरे को भाई पूरी की पूरी नजर है भाई मेरी इन पर। सो क्या चलो अभी अपन लोग इनको खत्म कर दो। क्या अबे यार यहाँ पे यार मैंने गोली भी चला दी और यहाँ पे यार इनको यार एक डैमेज भी नहीं पड़ा। सो यार यहाँ पे यार मैंने गोली भी मतलब चला के इनको पता चल चुका कि यार मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इनको यार 1% का डैमेज भी नहीं दिया यार, कैसी बात गलत बात होगी। सो यहाँ पे यार मैं थोड़ा आगे की तरफ रश करने जा रहा हूँ यार ग्लू वॉल की हेल्प से। यहाँ पे आ चुका हूँ यार आगे की साइड और अबे कहाँ गए भाई, ये तो यहीं पे थे, कहाँ भाग गए, ये तो यहीं पे है। सो गाइस अभी थोड़ी देर खत्म करते हैं। यहाँ पे यार थोड़ा सा डैमेज पड़ा, यहाँ पे 10 का डैमेज, सॉरी यहाँ पे 10 का और या 50 का डैमेज पड़ चुका है, बस थोड़ा सा डैमेज और चाहिए भाई इनका, दिक्कत हो चुकी है। अपने डेजर्ट ईगल मैंने हाथ में ले 67 का डैमेज और बहुत कम डैमेज चाहिए इनको खत्म करने के लिए, तो चलो अभी इसको खत्म कर लेते हैं अब अच्छे से। सो यार यहाँ पे ग्लू वॉल के ऊपर ग्लू वॉल लगाया जा रहा है, जैसे मैं इनके पास आ रहा हूँ वैसे यार ये बंदा ग्लू वॉल लगाया जा रहा है, बहुत मतलब इतना ग्लू वॉल तो यार मैंने कभी लगाया भी नहीं अपनी जिंदगी में। सर यहाँ पे ये बंदा आ चुका है, यहाँ पे यार 90 का डैमेज, ओ भाई भाई से 20% का डैमेज पड़ चुका है मेरे ऊपर भाई, बस एक बार और मर गया तो भाई मतलब मैं मर जाऊंगा भाई, बस एक डैमेज और पड़ गया मेरे को तो यहाँ पे मैं मर जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को नहीं मरना है। सो यहाँ पे यार मैं थोड़ा मतलब रश करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे भाई एक गोली लग जाए और यहाँ पे 10 का डैमेज पड़ चुका है, तो बस एक भाई खत्म हो जाए प्लीज। अबे यार शिट गाइस यार शिट, मैंने सोचा भाई साहब यार देखो कितना गंदा वाला डैमेज पड़ चुका है यार, 140 का डैमेज पड़ चुका था यार, बस मुक्के मुक्के से यार बस थोड़ा सा डैमेज और पड़ जाता गाइस तो खत्म हो जाते सिद्धू भाई। सो यार यहां पे यार आपको पता चल ही चुका होगा यार सिद्धू भाई कितना ओपी खेलते हैं, यार हमें भी यार बहुत अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा क्योंकि हमने एक भी मौका छोड़ा तो यार ये वो मौका छोड़ने के नहीं, ठीक है। सो यार यहां पे मैंने M1014 गाइस, यहां पे मैंने M1014 उठा ले चुका हूं और यहां पे यार मैंने एक ग्लू वॉल और एक सेकंड लेवल का वेस्ट भी जो है वो उठा लिया, तो यार यहां पे हमारा राउंड स्टार्ट होने थोड़ी देर और हमारा राउंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं फिर से सीधा सीधा रश करने जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत छुपूंगा तो कहीं हमारे रख रख में छुपना है तो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तो छुपूंगा ही छुपूंगा, लेकिन वैसे मैं सीधा सीधा रश कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ इस साइड की ओर, तो मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे होंगे, सो यार पहले ढूंढ लेता हूँ यार कहाँ पे हो सकते हैं वो, भाई ये तो यहीं पे, सो कहा जाए मेरे को लगा था ये उस साइड होंगे लेकिन ये भाई ये तो यहीं पे। सो यहाँ पे मैंने अपने ग्लू वॉल से थोड़ा कवर किया और यार यहाँ पे मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और ये पे अभी भाई ये तो यहीं पे आ गए। सो भाई यार पता नहीं कहाँ कहाँ से चलो चल के आ रहे हैं, यहाँ पे फिर से डेजर्ट ईगल से आई थिंक हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने छोटा मिल जाए नहीं लगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको ग्लू वॉल से कवर किया और यहाँ पे ग्लू वॉल के भंडार लगते हुए और यहाँ पे मेरे को फिर से डैमेज देने की कोशिश है। यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे की साइड जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यार यहाँ से देखो खेलना मतलब मैं इन्हें मार भी नहीं पा रहा हूँ यार यहाँ से, ठीक है। तो मैं थोड़ा दूर की साइड जा रहा हूँ यहाँ पे भाई साहब। सो कहा यार यहाँ पे यार मेरे को 150 का डैमेज पड़ चुका है यार, यहाँ पे भाई वो वापस आ चुका है, यहाँ पे लग जा रही है। ओ शिट यार शिट भाई साहब यार क्या ही खेल रहे यार ये भाई साहब यार शिट भाई गाइस यार शिट 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 यार बहुत गलत बात हो रही है इधर, यहाँ पे यार देखो बहुत गलत बात हो रही है, मतलब मैं यार लगातार दो बार हार चुका और मैंने इनको बस थोड़ा सा डैमेज ही दिया है। और भाई यार यहाँ पे मैंने थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, मैंने मतलब इतना गंदा यार शिट इतना गंदा मारा है भाई इसने हमें दो बार यार, इतनी गंदी वाली मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, मैं क्या ही बोलूँ सर। यहाँ पे यार मैंने थर्ड राउंड में यार अपनी फेवरेट स्नाइपर गन में से एक वुड पैकर जो है मैंने वो ले लिया, ठीक है। तो अभी अपन लोग जाएंगे यार स्नाइपिंग करने ऊपर की साइड, कैंपिंग करके स्नाइपिंग करने जाएंगे, ठीक है, जिससे यार करीबन मैं एक बार तो जीतू ही जीतू यार, करीबन एक बार तो मतलब एक बार जीतू तो जीतू यार, दो बार यार लगातार जीती, हम जीते तो कोई बात भी थी लेकिन यार ये लगातार भाई साहब दो बार जीता और मैं बस सिर्फ और सिर्फ 0 बार जीता हूँ, कितनी अजीब सी बात है। छी छी सर यहाँ पे मैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ यार वुड पैकर लेकर, ठीक है। और यहाँ पे देखो यार मेरे को पता चल चुका है कि भाई वो सिद्धू भाई कहाँ
पे है। सो अभी मैं थोड़ा देखता हूँ यार ये कहाँ की साइड होंगे होंगे। सो गाइस यहाँ पे यहीं सो भाई यार यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे को मिल चुका है गाइस। यहाँ पे बस एक डैमेज और पड़ना है, फुट जाने का डैमेज हो जाए। यहाँ पे देखो हेड लगाने की कोशिश, और यहाँ पे सो गाइस यार यहाँ पे यार ये बंदे हेड लगाने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे भाई मैंने इसको बहुत गंदा डैमेज दे दिया इमोट करके हेड शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यार हम भी कुछ कम नहीं यार, इस बार तो हमें किसी भी हालत में यार जीत रहे हैं। और यहाँ पे यार फिर से मैं इनको डैमेज दे रहा हूँ यार। देखो भाई बार बार मैं नीचे बैठ रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने अगर एक बार भी मैं ज़्यादा देर तक ऊपर मतलब उठा रहा तो यार ये हेड शॉट लगा देंगे मेरे को, ठीक है यार। सो गाइस यार यहाँ पे देखो यार यहाँ पे जोन जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है गाइस। यहाँ पे मैंने इनको बहुत गंदा वाला डैमेज दे चुका है शॉटगन की हेल्प से। और यहाँ पे देखो ये बंदा यहाँ पे, सो आई थिंक यार ये बंदे ऑफलाइन हो चुके हैं। सो यार चलो अभी खत्म करते हैं। और यहाँ पे भाई साहब यू ऑफलाइन नहीं थे भाई, भाई साहब यार भाई तो यार अजीब ही पागलपन की होगी यार। यहाँ पे देखो भाई मेरे को लगा ऑफलाइन है, इसलिए मैं इनको ऐसे मुक्के से मारने लग गया और ये अचानक से उठे। और गाइस सिर्फ और सिर्फ मेरी 10% एक्सपी बची थी भाई साहब, तब मैं जीत गया गाइस साहब। यार क्या ही मतलब कितना मतलब गंदा वाला है इन्होंने सीन किया यार, कितने अच्छे मतलब कितने वाली गंदी वाली एक्टिंग की यार इन्होंने। मतलब मेरे को लगा ये ऑफलाइन है, इसलिए मैं इन्हें मुक्के से मार रहा था और ये ऐसे उछले। और M107 से यार मेरे को इतना गंदा वाला डैमेज दे दिया भाई इन्होंने, इतना गंदा वाला मतलब मेरे सिर्फ और सिर्फ 10% एचपी ही बची थी, ठीक है। लेकिन यार कुछ भी को यार तब भी अपन लोग ही जीते यार, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया तब भी अपन लोग ही जीते। और यहाँ पे अपन लोगों का एक पॉइंट आखिरकार हो गया, और यहाँ पे हमारा चौथा राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने M107 और MP5 उठा लिया, और थर्ड लेवल का वेस्ट और सेकंड लेवल का हेलमेट। सो यहाँ पे देखो ये आ चुके सामने को, यहाँ पे 18 का डैमेज। यहाँ पे अपने आपको ग्लोव से कवर किया इन्होंने भी, अपने आपको ग्लोव से कवर किया। सो यार अभी इनको खत्म करने की देर है, कभी बाहर निकले और अपन इनको खत्म कर दे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देखो ग्लोव से अपने आपको कवर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये आई थिंक इस साइड आएंगे, तो अभी अपन रुकते हैं। यहाँ पे देखो आ गए सर, यहाँ आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने भाई साहब आया सर, यहाँ पे यार बहुत गंदा डैमेज पड़ चुका है भाई मेरे को। सो यहाँ पे वापस यहाँ पे आ गए और इन्हें खत्म करना। और यहाँ पे मैंने आपको ग्लोव से कवर किया, चुका सर यहाँ पे मैंने अपने आपको अच्छे तरीके से हर तरफ से ग्लोव से कवर कर लिया। तो अभी सबसे पहले अपन लोग हेल्थ लेते, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ 30% एचपी है। सो यार यहाँ पे मैंने अपने आपको अच्छे से यार ग्लू वॉल से कवर कर लिया है। तो अभी यहाँ पे मैंने हेल्थ भी कर लिया, और गाइस रिपेयर किट भी मैंने अच्छे से लगा लिया। और यहाँ पे अभी अपन के बारे गाइस निकल लेंगे। सो यहाँ पे अपन लोग निकलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ग्लू वॉल फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और बस फूट जा। सो यहाँ पे ग्लू वॉल भी फूट चुका है, अपन को नीचे जाना। और यहाँ पे अपन नीचे आ चुके हैं, और यार अभी अपन को यार इस सीढ़ी के नीचे छुप जाते होगा। सो यहाँ पे देखो भाई मैं सीढ़ी के नीचे छुप चुका हूँ, यहाँ पे ग्लू वॉल नहीं। और यहाँ पे देखो आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भाई बहुत गंदा डैमेज पड़ चुका है सर। यहाँ पे यार सीधे भाई को बहुत गंदा डैमेज पड़ चुका है, बस थोड़ा सा डैमेज और चाहिए उसका, ये खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो यार ये सेट चले गए सर, यहाँ पे वापस आ चुके हैं। सो यार यहाँ पे ग्लू वॉल से अपने आपको कवर कर, यहाँ पे आ गए। और भाई मेरे को बहुत गंदा डैमेज पड़ चुका है, यहाँ पे सिर्फ 84% एचपी हेड लग गया, हेड लग गया। और ये और भाई साहब यार बहुत ओपी सा यार यहाँ पे M107 की हेड, और यार बहुत ओपी सा हेड लग चुका है M107 की हेल्प से। और यहाँ पे अपन लोग भाई दो बार जीत चुके हैं, क्या ही हेड मारा यार मैंने, मतलब यार क्या ही हेडशॉट लगाया यार M107 से भाई साहब, क्या ही हेडशॉट लगाया यार भाई, मतलब यार इतना मस्त ओपी सा हेडशॉट लग गया यार। सो यार यहाँ पे अपन लोग दो बार जीत चुके हैं, और यहाँ पे हमारा पांचवा राउंड भी आ चुका है यार। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई मैं भी जीत सकता हूँ सिद्धू भाई, ठीक है। पहले मेरे को नहीं लग रहा था जब मैं दो बार लगातार हार रहा था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है जब मैं दो बार लगातार जीता हूँ, ठीक है। सर यहाँ पे हमारा पांचवा राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने देखो गन में कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं किया, यहाँ पे बस वही सारी चीज़ें थी जो मतलब ऐसे पहले वाले राउंड में थी, ठीक है। सर यहाँ पे देखो मैंने सिद्धू भाई को पकड़ लिया कि कहाँ पे है वो, यहाँ यहीं कहीं पे होने चाहिए। तो यार देखो सामने की ओर है, सर यहाँ पे देखो मैंने उनको ढूंढ लिया, देखो सामने की ओर ही है वो। तो चलो अभी मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। सो यार यहाँ पे देखो मैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ, यार यहाँ पे मेरे को सिद्धू भाई मिल चुके हैं। तो यार अभी अपन लोग इन्हें फिर से हेड मारेंगे जैसे पिछली बार मारा था, ठीक है। सर चलो अभी थोड़ा इसे वर्जे लेते हैं, और इसमें फिर हेड मारेंगे, ठीक है। सर अभी चलो इसमें हेड मारते हैं MP5 से, ठीक है। चलो मारते हैं। और ये छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। क्या हो गया गाइस, इन्होंने पूरा पूरा का पूरा सपना चकना चूर करके रख दिया यार। इन्होंने AWM लेके आया, मेरे को हेडशॉट मार दिया। ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, मेरा इतना मन था इसको हेडशॉट मारने का, इतना खुश था यार। नहीं नहीं ये मैं सहन नहीं कर सकता। सो गाइस यार यहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत दुखी कर दिया, और गाइस मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। तो यार इस बार अपन को यार ये तीन बार जीत चुके हैं, अब यार मेरे को बहुत गुस्सा आ चुका है। तो यार इस बार अपने को इनको जीतने नहीं देना, इस बार भी अपन इनको भाई बहुत गंदा मारेंगे, ठीक है। तो चलो अभी अपन लोग मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ ऊपर के साइड, रश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर के साइड जल्दी से, और इनको खत्म कर दूंगा मैं M107। सर यहाँ पे देखो भाई 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 सर यहाँ पे ये यहीं पे है। सो यहाँ पे देखो मैं पीछे की साइड से जब वापस जा रहा हूँ, आई थिंक ये वहीं यहीं कहीं पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं भाई यहाँ
यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, सो आई थिंक ये बंदे यहीं पर होने चाहिए। नहीं गाइस यहाँ पे नहीं है। सो गाइस यहाँ पे देखो ये नहीं है, सो आई थिंक ये बंदे ऊपर गए होंगे। इनको क्या लग रहा होगा कि मैं ऊपर गया। सो यार यहाँ पे देखो मैं वापस से थोड़ा देख लेता हूँ कि कहीं ये नीचे बीचे तो नहीं है। सो यहाँ पे देखो ये नीचे नहीं है, तो आई थिंक ये ऊपर की साइड ही गए होंगे। तो यार मैं भी चलो अभी यार ऊपर की साइड चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ये है नहीं, तो अभी चलो मैं ऊपर की साइड। ये तो यहीं पे, सो भाई यार ये तो यहीं पर ही निकले। मेरे को लगा था ये यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ये तो यहीं पर ही निकले। तो चलो इन्हें खत्म करता हूँ। यहाँ पे अलग अलग जाने लगा। सो गाइस यहाँ पे ये मुझे मारने की कोशिश, मैंने को मारने की कोशिश, लेकिन दोनों में से किसका नहीं लगा। 58 का डैमेज। सो गाइस यहाँ पे 58 का डैमेज और यहाँ पे 140 का डैमेज पड़ चुका है यार मेरे को। यहाँ पे भाई एक डैमेज और चाहिए भाई भाई। सो यहाँ पे वहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल से कवर किया और यहाँ पे बहुत सारे ग्लू वॉल लगाते जा रहे हो गाइस यार, बहुत सारे ग्लू वॉल लगाए जा रहे हैं मैं। और गाइस यहाँ पे मैंने अपने को अच्छे तरीके से सेव कर लिया और गाइस अबे खिड़की अंदर घुसना। सो गाइस यहाँ पे देखो मेरे को बहुत गहरा डैमेज पड़ चुका है गाइस, 150 का डैमेज पड़ चुका है यार यहाँ पे। और यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, थोड़ा हेल्थ ले लेता हूँ सबसे पहले जब तक आए। और यहाँ आ चुका है, खत्म कर दो ये। और भाई यार हमारा बदला हो चुका है सक्सेसफुल यार, बहुत मजा आया यार। सो गाइस आखिरकार यार इन्होंने मुझे इतना दुखी किया था, सो गाइस मैं भी दुखी हो गया था। और गाइस आखिरकार मैंने बदला ले ही लिया। सो गाइस यहाँ पे देखो तीन तीन के पॉइंट हो चुके हैं गाइस, वो तीन बार जीत चुके हैं, मैं तीन बार जीत चुका हूँ। और यार अभी अपने को यार इस वाले राउंड में भी जीत रहे हैं, अभी अपने को एक बार भी उन्हें नहीं जीतने देना, क्योंकि यार अगर एक बार और जीतने दिया तो यार वो धमाल मचा के रख देंगे, ठीक है। मतलब वो मेरे को यार बहुत मुंगर वाला मारेंगे, ठीक है। तो यार ये तो मैं चाहता नहीं हूँ मेरे को मारे। सो गाइस यहाँ पे हमारा आठवां राउंड आ चुका है। और गाइस यहाँ पे मैं लगातार गाइस तीन बार हार चुका हूँ गाइस, बहुत गंदी तरीके से यार। सिद्धू मैंने मेरे को यार लगातार तीन बार हराया है। सो गाइस यहाँ पे मेरा आठवां राउंड स्टार्ट हो चुका है। गाइस मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें एक बार और जीतने दूँ, क्योंकि अगर मैंने उन्हें एक बार और जीतने दिया तो यार समझ लो मैं हार गया, ठीक है। तो यार ये तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं हारूँ। तो चलो अभी यार यहाँ पे हमारा आठवां राउंड स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यहाँ पे मैंने वुडपैकर और एम्पी5 उठा लिया, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस ऊपर की साइड स्नाइपिंग करने वुडपैकर के साथ, क्योंकि यार अभी मेरे को इनको जीतने नहीं देना। तो यार रश करूंगा तो वो पक्का मेरे को हरा देंगे। सो इससे अच्छा है कि मैं जा रहा हूँ गाइस स्नाइपिंग करने, ठीक है। स्नाइपिंग करके अपन लोग जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे गाइस, क्योंकि मेरे को यार किसी भी हालत में ये हारना तो है नहीं, किसी भी हालत में मेरे को हारना चाहिए, मेरा इज्जत का सवाल है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने इनको थोड़ा डैमेज दिया, नहीं लगा कोई बात नहीं। सर अभी मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे तो इनको कोई डैमेज पड़ा नहीं, लेकिन अब ऊपर की साइड में आ चुका है। सिद्धू भाई को भी पता चल चुका मैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ। यहाँ पे सिद्धू भाई हेडशॉट लगाने की कोशिश कर रहा है। और भाई यार यहाँ पे ये भी हेडशॉट लगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैंने उससे पहले यार यहाँ पे 324 का हेड लगा के यार आखिरकार वाला राउंड जीत ही लिया। तो गाइस ये हेडशॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनसे पहले ही अपन लोगों ने हेड लगा लिया गाइस। यार क्या ही खेला यार, बहुत ओपी यार, मजा ही आ गया गाइस यार, बहुत मजा आया यार। मैंने क्या ही हेडशॉट लगाया यार, बहुत ओपी। सो यहाँ पे अपन मैं चार बार यार जीत चुका हूँ आखिरकार यार। अब मेरे में थोड़ा फिर से गाइस मेरे अंदर हिम्मत आ रही है कि हाँ भाई मैं जीत सकता हूँ गाइस, ये वाला कस्टम मैच जो है वो जीत सकता हूँ आखिरकार है। मेरे अंदर बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आ चुका है। यहाँ पे मैं हमारा ये वाला राउंड 10वां राउंड स्टार्ट हो चुका है, नहीं 5-4-9 होता है ना, हाँ 10वां राउंड स्टार्ट हो चुका है। और यार यहाँ पे मैं अपना ट्रिकाज मार रहा हूँ, जो अच्छा वाला ट्रिकाज मार रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने MP5 की जगह M187 उठा लिया। और यहाँ पे मेरे को थोड़ी देर रुकना है कि कब वो यहाँ पर आए और अपन लोग उनको फिर से हेडशॉट देकर यार मतलब क्या कहते हैं उसे जीत जाए, ठीक है। सो गाइस यार पता नहीं आखिरकार वो गए तो गए का मेरे को यार दिख ही नहीं रहा। और यहाँ पे मेरे को दिख चुके हैं, यहाँ पे वो हेडशॉट लगाने खुशी रही है। और भाई यार यहाँ पे फिर से हेडशॉट लग गया यार, क्या ही हेडशॉट मार रहा है यार वुडपैकर से लगातार भाई। बस मैंने दो बार हेडशॉट मारा यार लगातार भाई साहब, यार क्या ही हेडशॉट लग रहा है यार, बहुत ओपी। सो यार यहाँ पे अपने को हैट्रिक लगानी है। और यहाँ पे हमारा 11वां राउंड स्टार्ट हो चुका, ठीक है। यहाँ पे यार मेरे को इस वाले राउंड में यार फिर से वुडपैकर से हेडशॉट लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमारा हैट्रिक हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस यार किसी भी तरह से इस बार तो हेडशॉट लगाने पड़ेगा, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि हैट्रिक हो जाए, ठीक है। लगातार गाइस दो बार हो चुका है, बस एक बार और हेडशॉट लग जाए ना तो यार मजा ही आ जाएगा गाइस, यार बहुत मजा आ जाएगा गाइस। मेरे को मतलब इतना मजा आया मतलब ठीक है। तो यार यहाँ पे हमारा 11वां राउंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने देखो गर्मन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। यहाँ पे हम सीधे सीधे जा रहे हैं, मतलब सीधा सीधा नहीं गाइस, उल्टे साइड से सीधा सीधा जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं देखो पीछे की साइड से आ चुका हूँ गाइस फैक्ट्री के अंदर ही। और यहाँ पे देखो ये सिद्धू भाई यही कहीं पे है। और यहाँ पे ये मेरे क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे छुप छुप के वार करूंगा। सो यहाँ पे मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये यहीं पे है, तो चलो हेडशॉट मार। और ये लग जा रही है। और भाई यहाँ पे 224 का हेड लगा, लेकिन ये मरे क्यों नहीं भाई साहब यार। यहाँ पे ये देखो ये मरे क्यों नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा डैमेज पड़ चुका है। यहाँ पे मैंने इनको फिर से डैमेज ले लेंगे तब भी ये मरे नहीं भाई साहब यार। बुलगा मैंने इनको 400 का डैमेज दे चुका हूँ यार, ये मरे क्यों नहीं रहे। और यहाँ पे यार इनको मैंने थोड़ा डैमेज दिया फिर से। और यहाँ पे मैंने अपने को ग्लूकोज से कवर कर, यहाँ पे मैंने मारा। और यहाँ पे
फिर से एक्सपर्ट भाई साहब, गाइजर क्या हो रहा है? मैंने दो दो बार एक बार शॉटगन से एक बार लगाते क्या कहते हैं वुडपेकर से एक्सपर्ट मारा है, ये मर क्यों नहीं रहे? और यहाँ पे ये मुझे डैमेज दे रहे, तो मैं तो मेरा डैमेज तो पड़ रहा है यहाँ पे, मैंने इनको थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की, नहीं लगा कोई बात नहीं। यहाँ पे इन्होंने भाई साहब ये अबे भाई साहब यार मैं तो जीत गया, लेकिन ये क्या हुआ? मैं मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया यार ये क्या हुआ। मैंने लगातार गाइस यार लगातार मैंने दो दो बार हेडशॉट मारे, एक बार वुड पैकर 324 का उसका यार क्या कहते हैं वो M107 से 47 का एक हेड मारा, मतलब चाचर आते हैं ना वैसे करके एक हेड मारा, ये मरे ही नहीं भाई साहब। ये क्या हुआ मेरे को समझ नहीं आ रही यार, ये मुझे डैमेज दे रहे, वो डैमेज यार मेरे को अच्छे तरीके से लग रहा था भाई, पता नहीं क्या हुआ भाई साहब, ये पता नहीं यार क्या हुआ। लेकिन यार जो भी हुआ लेकिन हैट्रिक तो हो गई गाइस, ये याद रखना हैट्रिक हो गई। शायद ये फेक डैमेज था, मतलब जो कभी कभी दिखा देते गाइस फेक डैमेज होता है, कभी कभी आप किसी को 1100 का AWM से हेडशॉट मारो लेकिन वो बंदा मरता नहीं, ऐसा कभी कभी होता है गाइस किसी किसी के साथ। तो यहाँ पे शायद मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन दो दो बार होना बहुत अजीब सी बात है, ठीक है सुनिए यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ पे हैट्रिक तो हो ही गई। और यहाँ पे देखो भाई मेरे को पता चल चुका है क्या, सिद्धू भाई देखो सामने की ओर से आ रहे हैं, सामने की ओर से नहीं आ रही तो यहीं से आ रहे हैं। सुखा यार कितनी जल्दी ग्लू वॉल लगाते हैं ये तो मेरे को अभी पता चल चुका है। सुखा यार यहाँ पे देखो हेडशॉट लगाने की कोशिश चल रही है, लेकिन यार हेडशॉट नहीं लग रहा, तो यार इसका मतलब मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई मैं नीचे उतर चुका हूँ, तो अभी चलो अभी अपन लोग M107 से इन्हें मतलब खत्म करने की कोशिश करते हैं। बस यार एक बार और यार, बस एक बार और ये मर जाए तो यार हम जीत जाएंगे, बस एक बार और हमें इनको खत्म करना है, उसके बाद अपन लोग यार जीत जाएंगे। सर यहाँ पे देखो मेरे को पता चल चुका है यहाँ पे, लेकिन शायद इनको नहीं पता कि हम यहाँ पे, क्योंकि यार इनको क्या लग रहा है कि अपन लोग ऊपर की साइड है। सो यहाँ पे मैं ग्लू वॉल लगा लेता हूँ इससे पहले कि मेरे हिसाब से यार इनको पता चल चुका है। सुखा चलो इन्हें अभी खत्म करते और यहाँ पे हेडशॉट लग गया, और यहाँ पे हेडशॉट लगा लेकिन मरे क्यों नहीं? अरे भाई साहब यार कितना, भाई साहब देखो यार से 30% HP, भाई साहब यार 58 का कितना होपी सा हेड लगा यार, लेकिन भाई यार ये बच गए, शिट भाई साहब। सो गाइस यार ये बहुत गलत बात हो गई यार, कसम से बहुत गंदी वाली बात हो गई, से यहाँ पे एक हेड लगा लेकिन यार ये बहुत गलत बात हो गई यार। यहाँ पे ये भी 6 बार जीत चुके, मैं भी 6 बार जीत चुका हूँ, लेकिन यार अब यार कुछ भी करके अपने को जीतना ही पड़ेगा यार, कुछ भी करके, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता मैं हार जाऊं। इतना मस्त मैंने खेला यार इस वाले गेम प्ले, मतलब लगातार मैंने भी मतलब 4 बार लगातार मैंने हेडशॉट लगाया, फिर से मैंने M107 से हेडशॉट लगा था लेकिन ये मरे नहीं, शिट गाइजर शिट, मतलब कितनी गलत बात हो गई यार। सिर्फ और सिर्फ 30% एचपी बची थी, 30% से भी कम बची होगी गाइस, वो तो यार क्या कहते हैं ईपी से बढ़ रही थी उनकी हेल्थ, तो इसी वजह से यार, लेकिन उससे भी कम एचपी होगी यार। मेरे को मतलब इतना गंदा वाला मतलब फीलिंग हो रही है यार अभी कसम से, मतलब इतना गंदा वाला डैमेज दिया लेकिन यार ये बच गया। सर यहाँ पे देखो यार मेरे को फिर से मिल चुका है यहाँ पे, सो यहीं पे 54 का डैमेज, 47 का डैमेज, सो यार यहाँ पे इनको 100 का डैमेज पड़ चुका है, 100 से थोड़ा ज्यादा ही आई थिंक 112 का डैमेज पड़ चुका है, 112 का डैमेज पड़ चुका है। अभी अपन को इनको खत्म करने का है, और यहाँ पे ग्लू वॉल से अपने को कर देगा सर, यहाँ पे नहीं है। अच्छा वहाँ पे है, वहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे है सुगाजर, यहाँ पे सुगाजर ये यहीं पर ही है, तो अभी अपने को थोड़ा रुकना पड़ेगा कि कभी इस घर से बाहर निकलो। यहाँ पे बाहर निकल चुका है, अपने ग्लू वॉल से कवर कर लिया है सुगाजर, यहाँ पे ग्लू वॉल से अपने आपको कवर करते हुए ग्लू वॉल का हाथ नहीं छोड़ रखे, ग्लू वॉल का हाथ थामिंग ही मतलब भागे जा रहे। मैं इनको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ गाइस, 100 का डैमेज पड़ चुका है आई थिंक, कि एक हेल्थ तो गई गाइस। सो अभी अपने को थोड़ा सा डैमेज और देना है जिनसे इसकी दोनों दो हेल्थ चली है। सो यहाँ पे इनको खत्म कर दो, चलो एक हेड लग जाए, हेड लग जाओ ऐसा हेड लग जाए गाइस। अरे यार यहाँ पे मैं गल से बैठ गया, यहाँ पे लेटे हुए ऐसे इमोट कर रहे, सो एक लग जा। अबे ये क्या हो गया सब यार, ये तो इमोट कर रहे थे भाई साहब, मैं लेट कैसे गया यार यहाँ पे भाई यार, फिर से ग्लू वॉल सब ने आपको कवर कर लिया यार, शिट अबे ये क्या किया इन्होंने। सो गाइस यार यहाँ पे इन्होंने मेरे सामने ही ग्लू वॉल मतलब ग्लू वॉल रख दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे भाग रहे हो, यहाँ पे इन्होंने डैमेज देता है, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा डैमेज पड़ चुका है इनको, यहाँ पे मैं ग्लू वॉल से कवर किया, यहाँ पे इन्होंने भी अपने आपको ग्लू वॉल से कवर किया, तो चलो इनको खत्म कर देने। यहाँ पे मेरे को 30 का डैमेज पड़ चुका है, 30 का नहीं गाइस 40 का डैमेज पड़ चुका है आई थिंक, डेजर्ट गर्ल्स खेल रहे और यहाँ पे इमोट कर रहे, और ये अबे नहीं लगा भाई साहब, फिर से बच गया। सो गाइस यहाँ पे मैंने अब यार ये इतना गंदा वाला मौका छोड़ दिया यार, यहाँ पे ये हेल्थ लगा रहे थे यार, शिट गाइस यहाँ पे यार इनको बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ चुका है, बस एक डैमेज और चाहिए। और ये और भाई यार आखिरकार यार यहाँ पे मैं यार इतनी भाई इतने जंतो जहद करने के बाद आखिरकार यहाँ पे हो चुका है मेरा बहुत अभी तरीके से भूया। सो गाइस इसी के साथ हमारा एक और कस्टम मैच रहा सक्सेसफुल रहा है बहुत तो तरीके से यार, यहाँ पे भूया हो चुका है जो गाइस मेरे को बहुत मजा आया है कस्टम मैच में। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। तो गाइस हम मिलेंगे आपको ऐसी अगली चमकांडी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।